बरसात का मौसम था उस दिन मुंबई के इनकम टैक्स ऑफिस में, जहां कुछ सीनियर कार्यकर्ता गहरी बातचीत में डूबे थे। साहिबान, जल्दी एक बड़े छापे के लिए तैयार रहिए। फिल्म स्टार है क्या वो? कोई सेलिब्रिटी होगा, उन्हीं लोगों के पास इतना काला पैसा है। यार बता नहीं सकता, लेकिन शादी के कपड़े रेडी रखो। कुछ हफ्ते बाद अगस्त 4, 2022 की ढलती हुई दोपहर में 400 लोगों का एक बड़ा शादी का काफिला 100 से भी ज्यादा गाड़ियों में, जिस पर चिपके हुए थे राहुल वेज अंजलि और दुल्हन हम ले जाएंगे के पोस्टर, समझो वो सब शाहरुख या सल्लू भाई के बड़े फैन थे, महाराष्ट्र के जालना शहर में दाखिल हुए एक कृषि और इस्पात उत्पाद का केंद्र। वाहनों पर फूल सजे थे और बाराती बेहतरीन कपड़े पहनकर गाड़ियों के साथ चल रहे थे। दुल्हा घोड़े पर नहीं बल्कि SUV के सनरूफ से दुल्हन लेने आया था। जालनावासी दंग रह गए, इतनी बड़ी बारात मैंने जिंदगी में कभी देखी ही नहीं। दादा, मुंबई का कोई रईस होगा जो इतना पैसा खर्च सकता है। लेकिन बारात का इस वक्त आना भी आश्चर्य की बात थी। बरसात का मौसम शादियों के लिए शुभ अवसर नहीं है, और न ही ये लग्न का मौसम था। बारात में बस ये बात सामान्य थी कि लोग हिंदी और मराठी फिल्मों के गाने पर नाच रहे थे, पर जैसे ही मेन रोड से वो मुड़े, एक बाराती बारात से अलग होकर सुनसान जगह की तलाश किया, जहाँ से वो फोन पर कुछ निर्देश देने लगा। दुल्हन ले जाएंगे प्लान शुरू हो रहा है, सूरज ढलने के लिए सिर्फ 60 मिनट बाकी है। निर्धारित जगह पर बारातियों ने अपने को 3 गुट में विभाजित किया और शहर के 3 अलग-अलग जगहों के लिए रवाना हुए। फिर सूरज ढलने से पहले, ताकि वो कानून के दायरे में रहे, एक गुट फैक्ट्री पहुंचा, एक पहुंचा ऑफिस और तीसरा एक बंगला। फैक्ट्री पर बाराती बार बार और बड़े जोरों से दरवाजा खटखटाया। गार्ड बारातियों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, समझा गलत एड्रेस पर आ पहुंचे। ये फैक्ट्री है भाई साहब, मैरिज हॉल नहीं, आपकी मालिक की बारात आई है, गेट खोल बे। घबराया हुआ वो दरवाजा तुरंत बंद कर देता है। फैक्ट्री बंद है, कल आना। दाल में कुछ काला होने के शक से वो अपने साथियों को मेन गेट पर बुलाता है। बंगले पर पहुंचने वाले गुट के लिए एक औरत ने दरवाजा खोला। जी, किससे मिलना है आपको? आपके पति की दूसरी शादी की बारात आई है मेम साहब, उन्होंने चटपटापन से कहा। कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में एक लौता बाहर खड़ा हुआ गार्ड भी उन्हें अंदर जाने से रोका, लेकिन आखिर बाराती तीनों जगह घुसे जब उनको रेड नोटिस दिखाई गई। याद है ना आपके कॉलेज के दिन, जब अच्छे कपड़े पहनकर अजनबियों के शादी में घुसते थे सिर्फ खाना खाने के लिए? ठीक वैसी ही धोखेबाजी से इनकम टैक्स वाले वहां घुसे, मगर काला धन पकड़ने के लिए। छापे को इतना गुप्त रखा गया कि जालना के पुलिस को भी कानो कान खबर न थी, और जो जालना से टैक वाले बारात में शामिल थे उन्हें भी कुछ नहीं पता था कि वो किस लिए वहां आए थे। ये इसलिए क्योंकि अगर बात सेठ जी को पता चलती तो वो और उसका काला धन दोनों गायब हो जाते। धातु और रासायनिक कारखानों पर छापा लगाया गया जो GST में घोटाले किए थे, उनके वित्तीय सहायकों पर भी रेड डाली गई। कुल मिलाकर 30 जगहों पर छापे लगे, 20 जालना में, 7 औरंगाबाद, छत्रपति संभाजी नगर और नासिक, मुंबई और पुणे में एक एक। कर अधिकारियों ने ये योजना बनाई जब महाराष्ट्र के GST काउंसिल ने उन्हें इत्तला की। GST का एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है, कृपया सख्त कार्रवाई कीजिए। रेड की तैयारी में मुंबई के अनुभवी अफसर गुप्ती से पहले जालना आए और सारे लोकेशन पर नजर रखी कि कब क्या हो रहा है। कुछ सब्जी बेचते फेरी वाले बने और बंगले पर नजर रखी, कुछ कारखानों में झाड़ू वाले की नौकरी ली और चाल चलन समझे। जो सब इन्फॉर्मेशन उन्होंने इकट्ठा किया, उस हिसाब से गाड़ियां लाई और फैक्ट्री के सारे एग्जिट पॉइंट रोक लिए। फैक्ट्री के अंदर जो 60-70 ट्रक सामान चढ़ा उतार रहे थे उसे रोका और सब कर्मचारियों को अलग से रखा गया। अपने पोशाक के अनुरूप बाराती टैक्स वाले पिक्चर के गाने गाते रहे ताकि उन्हें रात भर की तलाशी से नींद ना आए, लेकिन जितना भी उन्होंने तलाश किया फिर भी उन्हें न तो कोई पैसा न ही जेवर कुछ नहीं मिला। फिर आधी रात में जब ऑफिस की तलाशी जारी थी, एक के हाथ कोई अकाउंट बुक आई जिसमें से सुराग निकला। फार्म हाउस के लिए पैसा? हमारे लिस्ट में तो कोई फार्म हाउस नहीं। सौभाग्य से उन्होंने एक चौथी टीम भी लाई थी जिसे तुरंत वहां रवाना किया गया। पहुंचते ही वहां पर हथौड़े से तोड़म ताड़ी शुरू हुई। यूरेका, एक दरवाजा जो टूटा तो एक गुप्त कमरा नजर आया, पूरे 500 रुपए और जेवरों से भरा। हर जगह से पैसे और सोना निकला, बिस्तरों के बीच, अलमारियों के अंदर
और यहाँ तक कि जमीन के नीचे भी। कब्जा किए पैसे का भंडार इतना था कि अगले सुबह उन्हें बगल वाले SBI ब्रांच पर गिनवाना पड़ा, जिसके लिए 14 घंटे लगे सुबह 11 से लेकर रात 1 बजे तक। अब चिंतित कि मालिक कुछ भी कर सकते थे, उनकी पिटवाई के लिए गुंडे का इंतजाम भी, तब ही उन्होंने लोकल पुलिस को ऑपरेशन में शामिल किया अपने खजाने को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने के लिए। छापे वही बंद नहीं हुए बल्कि और 8 दिन चले, जिसमें अधिकारियों को 390 करोड़ बेमानी संपत्ति के कागजात मिले। पैसे और सोना भी 3 बैंक लॉकर से निकला जो मालिकों ने छिपाने के लिए अपने कर्मचारियों के नाम पर रखे थे, और एक स्टॉक लेजर भी मिला जिससे पता चला कि 120 करोड़ का कच्चा माल किताबों में बताया ही नहीं गया था। ये भी पता चला कि कुछ कोलकाता स्थित शेल कंपनियां खास बनाई गई थी ये सब काला धन छुपाने के लिए। ये पहली बाराती रेड नहीं थी, इससे पहले फरवरी 2019 में भी 300 कर्मचारी 80 वाहनों में शादी के काफिले का गुम होने का नाटक रचाया। भैया शादी हो रही आसपास कहीं? और 2 सोया रिफाइनिंग कंपनियों पर छापा मारे, जिससे 60 करोड़ का छुपा हुआ राजस्व उन्होंने पकड़ा। अप्रैल 2017 में 40 इनकम टैक्स ऑफिसर का गुट SLN समूह के कॉफी प्रोसेसिंग उद्योग पर छापा मारा कर्नाटक के कुर्ग इलाके में। एक बार ऐसा हुआ कि इनकम टैक्स जासूस साधु का भेष पहनकर महाकुंभ पर आए, जहां रास्ता पूछने के बहाने ये कुंभ के लिए कहां से जाए बेटा, और MP के छिंदवाड़े में कई दफ्तर पर छापे मारे। आज तक धोखेबाज खुद को इनकम टैक्स अधिकारी बताकर नादान व्यापारियों पर छापे के बहाने नगद और जेवर लेकर फरार होते रहे, जैसे कि अक्षय कुमार की हिट मूवी स्पेशल 26 में दिखाया गया, जहां वो काले धन खोज निकालने के धर्म योद्ध का नाटक रचाया। लेकिन अब टैक्स मैन ने पासा पलटा। टैक्स जासूस पिछले 1 साल में खासकर छोटे शहरों के जंगलों में घूम रहे और वार किया उत्तर प्रदेश के इत्तर के राजा पीयूष जैन पर, बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्था चैटर्जी पर, और पकड़ा झारखंड के IAS प्रतिभाशाली पूजा सिंगल को। अब तक उनकी नजर बड़े शहरों पर थी, जिससे छोटे शहर के व्यापारी टैक्स वालों के गोलियों से बच सकते थे, पर अब बड़े शहरों में लोग डिजिटल पेमेंट्स का ज्यादा इस्तेमाल करने लगे, तो टैक्स कर्मचारी छोटे शहरों को अपने नजरिए में लिए हुए हैं, जहां अब भी बहुत सारा लेन देन नगद से हो रहा। छोटे तालाब में आप कौन सी बड़ी मछली पकड़ेंगे और किस भेष में, देखते रहिए बिस्बो को, हम बताएंगे। बिस्बो की शायरी। आई थी बारात दुल्हन लेने के लिए, दुल्हन नहीं मगर सेठ जी की लेने के लिए। कभी असल सेठियों को भी पकड़ा करो, जो छोटे शहरों में नहीं पर बैठे गद्दियों पर। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।